अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके यूपी बीटीसी डीएलएड एडमिशन 2019। तो दोस्तों थोड़ी एक बात कर लेते, योग्यता को लेकर काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे यहाँ पर, कि जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से आ रहे थे दोस्तों, तो वो काफी कंफ्यूजन में थे कि उनको कितने परसेंट पर वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर ओबीसी से अगर आप कैटेगरी है, अगर आपके ग्रेजुएशन में, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ग्रेजुएशन में 45 मार्क्स आते हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के बच्चों के लिए दोस्तों ये 50% है, ओबीसी के लिए 45, एससी के लिए 45 और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 45% चाहिए होगा। ठीक है, इसको हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। काफी बच्चों को डाउट्स में थे कि कुछ वेबसाइट्स पर ऐसा लिखा है कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 50 चाहिए, दोस्तों ऐसा नहीं है। तो पहले आपको हम प्रूव करके दिखा देते हैं, आप लोग देख लेंगे कभी फॉर्म भरेंगे तो कैसे करना है, पहले उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आते हैं और आपको करके दिखा देते हैं कि अगर ओबीसी में आपके 45% है तो आपका होगा या नहीं। चलिए दोस्तों लाइव दिखा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों सब टिक कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों पंजीकरण में क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपका कुछ भी नाम हो, जैसे मान लेते हैं आपका नाम मान लेते विनय हो और फादर्स नेम में कुछ भी डाल दीजिए दोस्तों, जैसे ठीक है, तो कुछ भी नाम डाल दीजिए दोस्तों फिलहाल के लिए भी। तो डेट ऑफ बर्थ दोस्तों जो भी आपकी हो वो अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों, आप लोग का जो भी मन करे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो सबसे पहले दोस्तों देखिए ओबीसी की हम बात कर रहे हैं, तो ओबीसी में अदर बैकवेस्ट क्लास होती है, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सब कैटेगरी में एनए डालेंगे हम लोग, जनरल में मेल, ईमेल आईडी दोस्तों अगर आपकी कुछ है तो वो डाल देंगे, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी हो दोस्तों उसको। खाली हम आपको वो दिखा रहे हैं कि इसमें 45% एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं, काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे दोस्तों, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए, ठीक है। तो अपने दोस्तों की इस वीडियो शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, कि उनको भी थोड़ा बहुत फायदा मिल सके। तो यहाँ पर जैसे अदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के नाम में दोस्तों कुछ भी डाल देते हैं, डीएलएड यूपी बीटीसी, ठीक है, हमारे चैनल का नाम ही डाल देते हैं। अभी खाली दोस्तों ये आपको ट्रायल दिखा रहा है कैसे किया जाता है दोस्तों, कैसे करना है। रोल नंबर दोस्तों कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। मार्कशीट नॉट अवेलेबल होगा दोस्तों, अभी इस बार आपकी आई नहीं है। टोटल मार्क्स दोस्तों मान लेते हैं कि पेपर आपका 1800 नंबर का हुआ है और आपको मिले कितने दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते दोस्तों हमें 700 नंबर मिले होते तो हमारी परसेंटेज बनेगी 38.89%। उसके बाद दोस्तों हम फॉर्म को अप्लाई करके देखते हैं जरा क्या फॉर्म अप्लाई होता है कि नहीं, ठीक है। ये हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, देखिए दोस्तों जब आपका 700 नंबर डालते हैं मतलब आपके 38% बनते हैं, मतलब 45 से कम परसेंट है, तो क्या होता है देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख क्या रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू फिल द फॉर्म, मतलब दोस्तों आप क्राइटेरिया में नहीं आते। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि आपके ग्रेजुएशन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या आपकी डेट ऑफ बर्थ, या तो दोस्तों आप 18 साल से कम है, ठीक है। आप दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, आप लोग का जो नंबर हमने पाया है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 816 नंबर कर देते हैं, तो आपकी परसेंटेज चेंज होकर 45% बन गई, 45 से ज्यादा, या 810 की कर देते हैं पूरा, 45% पर हम आ जाते हैं, ठीक है, 45% हो गया। अब दोस्तों जरा एक बार और ट्राई करते हैं, फिर से कैप्चा भरेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों। सिक्योरिटी पिन कोड नॉट मैच, चलिए फिर से भर लेते हैं, ठीक है, अब करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा सब कुछ हो गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब हम अगर ओबीसी से आते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी हमारी शो हो रही होगी, तो अगर दोस्तों हम ओबीसी, यहाँ पर लिखा अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब ओबीसी से आते हैं दोस्तों, तो हम लोग 45% पर दोस्तों एलिजिबल है। यहाँ पर हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया, काफी बच्चे डाउट में थे। अगर दोस्तों इसी को हम थोड़ा चेंज और कर देते हैं, अगर इसी को हम जनरल कर देंगे अनरिजर्व कैटेगरी, आप दोस्तों इसको हम लोग फिर से फुलफिल करेंगे तो देखिएगा दोस्तों ये नहीं लेगा, क्योंकि जनरल की जो मिनिमम कट ऑफ है वो 50% है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ डाउट्स थे, तो कुछ वेबसाइट पर ऐसा हो रहा था, देखिए दोस्तों फिर आ रहा है यू आर नॉट अलाउड टू फिल द फॉर्म, दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो फिर से हम इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर हम 900 नंबर कर देंगे, मतलब आपके 50% बन जाते हैं, तो अब हम एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। देखिए फिलहाल कैप्चा एक बार गलती आएगा लिख के, हमें पता है, तो फिर से कैप्चा आप सही कर लेते हैं, अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ठीक है। ये खाली आपको दिखाया जा रहा है कि आप लोग समझ सके कि भाई कैसे करना है। अब देखिए दोस्तों फाइनल सबमिट का ऑप्शन हमारे पास फिर आ गया, मतलब ठीक है,
तो आपको दोस्तों अब समझ में आ गया होगा कि भाई जो इसकी क्राइटेरिया की बात हो रही थी, कितने परसेंट पर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो अब दोस्तों आपको पूरी तरीके से ये बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो अब चलिए वीडियो पर आते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमने देख लिया कि भाई आपके ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है वो 45%, मतलब अगर आपके दोस्तों कट ऑफ की बात क्या कही जाए, अगर आपने ग्रेजुएशन में 45% नंबर लाए हैं तो आप लोग ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों एक बात और कर लेते हैं, अगर आपकी एज उम्र 18 साल से कम है, 18 साल से दोस्तों अगर आपकी उम्र कम है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वहां पर चाहे तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं 18 साल से अपनी एज कम डालकर, तो सब कुछ क्राइटेरिया के अनुसार होगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर फॉर्म आपका अप्लाई हो रहा तो मतलब आप सही हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा भी था कि महाविद्यालय स्नातक से न्यूनतम 50 अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्रिब्यूट और अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, विकलांग, फिजिकल हैंडीकैप, ये सब दोस्तों था जिसके लिए दोस्तों हमारी कट ऑफ लिखा है सिंपल सा, 5% की छूट दी जाएगी, मतलब 45% होगी आपकी कट ऑफ। तो कुछ बच्चे डाउट्स में थे क्योंकि कुछ वेबसाइट्स पर ये शो हो रहा है दोस्तों कि आपकी जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 50% है। तो दोस्तों अब बात आपको क्लियर हो गई होगी पूरी तरीके से, तो सही है। तो ओबीसी के जो बच्चे भाई 45% तक आते हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिक्कत क्या होगा, अगर आपके एक भी नंबर कम है, अगर आपके दोस्तों 49 दशमलव कुछ भी परसेंट बन रहे होंगे, ठीक है, 49 पॉइंट समथिंग, तो हो सकता है आपका फॉर्म एक्सेप्ट ना हो पाए, वेबसाइट वर्क नहीं कर पाएगी दोस्तों, समझ रहे हैं ना, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है और एक एक नंबर से दोस्तों यहाँ मैटर करता है, तो देख लीजिएगा आप लोग। और दोस्तों बात कर लेते हैं, और भी कुछ बातें होंगी जो वीडियो से संबंधित आपको जानने वाली होंगी, तो वो एक बात और कर लेते हैं दोस्तों। आपकी कट ऑफ को लेकर भाई सभी बच्चे इसलिए परेशान हो रहे हैं कि ये जान जाते हैं कि कितने नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। बात आती है सरकारी कॉलेज की, सभी को सरकारी कॉलेज चाहिए क्योंकि दोस्तों सरकारी कॉलेज की फीस आपकी सिर्फ होती है 10,200 रुपये और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस दोस्तों सरकारी कॉलेज में आपको नहीं लगता, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो सरकारी कॉलेज बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है, तो सरकारी कॉलेज मिल जाए तो क्या बात है दोस्तों। देखिए सरकारी कॉलेज अगर दोस्तों आप लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए सरकारी कॉलेज के लिए कम से कम आपको 230 अंक से लेके 240 प्लस नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए आप जो बच्चों के नंबर मिलने वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, जब से प्रैक्टिकल वाला आ चुका है, जहां धाम जो भी कहिए आप लोग, तब से नंबर अच्छे मिलने लगे हैं। तो दोस्तों जो बच्चे पिछले वर्षों में पास हुए हैं उनके लिए दोस्तों लग रहा होगा कि थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो बच्चे अब ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए कितना चाहिए होगा। ओबीसी के लिए दोस्तों कम से कम आपको 225 नंबर से लेके 238 से प्लस चाहिए, 238 प्लस, क्योंकि देखिए ओबीसी में बच्चों की संख्या काफी ज्यादा होती है इसलिए इनकी कट ऑफ उतनी कम भी नहीं जाएगी। आपकी एससी कैटेगरी के लिए शेड्यूल कास्ट 200 दोस्तों 10 से लेके 230 प्लस तक इसमें जा सकता है कट ऑफ। और दोस्तों बात करेंगे एसटी कैटेगरी के लिए तो इनकी कट ऑफ होगी 190 से लेके 220 से प्लस में। अब बात आएगी दोस्तों आपकी फिजिकल हैंडीकैप, तो इनकी भी दोस्तों कट ऑफ कुछ ऐसी रहेगी 180 से लेके 210 नंबर तक, ठीक है, सब प्लस रहेगा बाद में। तो ऐसी दोस्तों कट ऑफ आपकी बनेगी। तो अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो भाई ये सब तरीका अपना लीजिएगा, इतने नंबर होंगे तो सारे डाइट से अप्लाई कर लीजिएगा। अगर देखिए दोस्तों बात क्या होती है, अगर आप लोग डाइट चाहते हैं, मान लीजिए आपको दूसरा जिला मिलता है, आपके घर से ज्यादा दूर हो गया, तो वहां पर अगर आप जाएंगे पढ़ने रहने का खर्च ये सब लगाएंगे तो फीस कुछ वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों आपका जो बीटीसी ये होता है ना, इसमें 12 महीने का कोर्स होता है, मतलब 2 साल का कोर्स है वैसे दोस्तों ये, लेकिन इसमें कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, जैसे और कोई कोर्स होता है तो उसमें गर्मी की छुट्टी हो जाती है, ठंडी की छुट्टी होती है, लेकिन ये 2 साल कंटिन्यू कोर्स है, कभी कोई छुट्टी नहीं होती है। तो छुट्टी नहीं होगी तो दोस्तों आपको साल भर 2 साल में मतलब 24 महीने, 24 महीने दोस्तों आपको कमरा रेंट पर लेना पड़ेगा, कहीं पर भी जाएंगे तो 24 महीने किराए पर कमरा लेना पड़ेगा। और दोस्तों हो सकता है कि 1 महीने का किराया आपका 3,000 तक आ सकता है, ठीक है, 3,000 रुपये, तो दोस्तों आपका रहने का खर्च भी लगभग 72,000 रुपये आ जाएगा 2 साल का। तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो भाई अगर दूर आपको डाइट कॉलेज मिलता है तो रहने का खर्च, उसके बाद कुछ खाना पीना भी तो खाएंगे ना, उसका भी खर्च निकाल लेंगे, तो दोस्तों हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज से महंगा पड़ जाए। अगर आपके जिले में मिलता है सरकारी कॉलेज तब तो सही है, अगर आपके जिले के आसपास भी है कि जहाँ से आप लोग अप डाउन कर सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अब बहुत ज्यादा दूर मिलता है दोस्तों, फिर आप लोग सोच समझ लीजिएगा कि भाई कैसे चलना है, आप लोग को करना है, आप लोग वैसे मैनेजमेंट कर ही लेंगे। तो फिलहाल आप ज्यादा बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आ रही फॉर्म अप्लाई करने में, सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फॉर्म अच्छे से अप्लाई करते रहिए दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, फॉर्म अगर नहीं भर पा रहे तो थोड़ी बहुत हमसे हेल्प लीजिए, हम फॉर्म भरने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8738078।
9216। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस पर हमसे मैसेज के द्वारा जुड़ भी सकते हैं। तो 87380792 16 है, ठीक है ना, यहाँ पर डाउट मत मत जाइएगा, 92 16। तो ठीक है दोस्तों, ये नंबर आपको व्हाट्सएप है, तो इस पर आपको सिर्फ मैसेज करना होता है, कॉल मत करा करिए, जिससे आप कॉल उठ भी नहीं पाती, तो हम भी नहीं चाहते कि आपकी कॉल ना उठे, कोशिश करते हैं दोस्तों आपकी कॉल उठ जाए मतलब, और इतनी ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है दोस्तों, कॉल नहीं उठा पाते, सॉरी उसके लिए पहले से ही। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग को कुछ करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, उम्मीद करेंगे दोस्तों हम आपका रिप्लाई जल्द से जल्द कर पाए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए स्टे कनेक्टेड और शुभ रात्रि। ओबीसी वाले बच्चे भाई, फॉर्म अप्लाई कर दो जल्दी से।